दोस्तों ये जो एलईडी है ना तो ये स्मार्ट है ना ही एंड्रॉयड है, फिर भी मैंने इस एलईडी को यहाँ पे पूरी तरीके से एंड्रॉयड में बदल दिया है, जिसके अंदर मैं सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज कर सकता हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब, G5, उसके साथ साथ प्ले स्टोर से काफी सारी एप्लीकेशन को मैं इसमें डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको अपनी एलईडी को स्मार्ट या फिर एंड्रॉयड बनाना है ना, तो सिर्फ 650 रुपये में आप अपनी एलईडी को स्मार्ट बना पाओगे। बस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 3 तरीके मेरे पास ऐसे है जिसके अंदर आप अपनी एलईडी को स्मार्ट और एंड्रॉयड में पूरी तरीके से बदल पाओगे। अब आपको बाजार से 15 से 20 हज़ार रुपये की एलईडी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखना। अब दोस्तों अपना जो यहाँ पे पहला तरीका है ना, उसके अंदर सिर्फ 650 रुपये से अपन अपनी एलईडी को पूरी तरीके से स्मार्ट बना सकते हैं। बेसिकली अपने को इस टाइप के क्रोम कास्ट डिवाइस की जरूरत है, जिसके अंदर अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन को एलईडी के अंदर कास्ट कर पाएंगे। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ये डिवाइस मिलेगा। इस डिवाइस के अंदर आपको 2 पोर्ट मिलेंगे, एक है HDMI वाला पोर्ट और एक है USB वाला पोर्ट। इसके अंदर जो आपको HDMI की केबल मिलती है उसको आपको अपने एलईडी के HDMI पोर्ट में लगाना है और USB की केबल को USB पोर्ट में लगाना है। उसके बाद इसका सेटअप पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये डिवाइस बेसिकली करता ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी यहाँ पे देखेंगे, जो भी करेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे गेमिंग करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं या फिर किसी भी टाइप का अगर आप फोटो देखते हैं, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन LED TV के अंदर मिरर होगी। यानी कि जो काम अपने मोबाइल के अंदर आप करोगे वो सेम आपको अपनी LED TV के अंदर दिख जाएगा, वो भी वायरलेस। तो बेसिकली ये जो क्रोमकास्ट है ये LED TV को स्मार्ट बनाने का काम करते हैं। जो अपने को नया फीचर LED TV में मिलता है ना, वो सेम फीचर इन दोनों को बाय करने के बाद आपको मिल जाएगा और इनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है। ये वाला जो क्रोमकास्ट है ना भाई, ये आपको 800 रुपये में मिल जाएगा लोकल मार्केट में, लेकिन ये OUD का क्रोमकास्ट सिर्फ 650 रुपये में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ये जो OUD का डोंगल है ना, इसको आप 650 रुपये से 700 रुपये में काफी आसानी से खरीद सकते हैं मार्केट में, तो एक बार आप ट्राई कर लेना। और इनके बेस्ट बाय लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये दोनों डिवाइस आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलते ना, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू भी इनको बाय कर सकते हैं। और भाई सबसे खास बात यह है इन डिवाइस की कि अपन बिना इंटरनेट के भी इनको यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल में इंटरनेट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं है ना, तब भी आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको यूज कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन गेमिंग करते हो, ऑफलाइन मूवी देखते हो, तो वो सेम स्क्रीन LED TV में आपकी कास्ट होएगी। अब ये जो OUD का क्रोमकास्ट है ना, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो उसको एक बार देख लेना, उसकी लिंक आपको ये बटन में मिल जाएगी। उसके अंदर ना मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाया है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, तो उस वीडियो को आप देख लेना आई बटन में जाके। और हाँ, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस टाइप की वीडियो आप यहाँ पे टाइम टू टाइम देख पाओ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। ऑलराइट, अब अपना जो यहाँ पे दूसरा तरीका है ना, उसकी मदद से अपन अपनी एलईडी को पूरी तरीके से स्मार्ट बना सकते हैं। सैमसंग ब्रांड की एलईडी, LG ब्रांड की एलईडी में जो अपने को फीचर मिलते हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं ना, वो सेम बेनिफिट आपको अपनी LED TV के अंदर मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये की LED खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे 2 हज़ार रुपये का ये डिवाइस खरीदना है, जिससे आप अपनी LED को पूरी तरीके से यहाँ पे स्मार्ट बना पाओगे सैमसंग जैसे। बेसिकली ये एक Amazon Fire TV स्टिक है, मेरे पास यहाँ पे लाइट इसका वर्जन है। इसके अंदर आपको एक स्टिक मिलेगी, एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, एक पावर एडाप्टर मिल जाएगा पावर देने के लिए, और एक HDMI एक्सटेंडर भी आपको इसके अंदर मिलेगा। उसके अलावा बॉक्स पे साफ साफ अपने को बता रखा है कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, G5, MX Player जैसी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और उसके अलावा भी काफी सारी एप्लीकेशन आप इसके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे कि Amazon Prime, नेटफ्लिक्स, Disney+, Hotstar, Discovery+, ये सारी एप्लीकेशन इसके अंदर आप यूज कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट मूवी देखना चाहते हो तो वो भी इसकी मदद से आप देख सकते हो। अगर आप गेम करना चाहते हो तो कैजुअल गेमिंग भी इसके अंदर हो जाएगी भाई। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो रिमोट है ना, उसके अंदर अपने को वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, जिससे आप इसको कमांड देकर ऑपरेट कर पाओगे यार। तो इससे पहले जो मैंने आपको क्रोमकास्ट बताया था ना, उसके अंदर जो अपने को फैसिलिटी मिलती है, वो सेम फैसिलिटी अपने को इसके अंदर भी मिल जाएगी। यानी कि जो फायदा आपको क्रोमकास्ट के अंदर मिलेंगे, वो सारे फायदे इसके अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़े ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म को सेपरेट यूज कर पाओगे, इंटरनेट इसको देना है, उसके बाद आप अपनी LED को पूरी तरीके से यहाँ पे स्मार्ट बना पाओगे। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो Fire TV स्टिक है ना, इसका डोंगल को आपको अपने LED के HDMI पोर्ट में लगाना है, उसके बाद आपको इसको कनेक्ट करना है पावर के थ्रू, उसके बाद ये यहाँ पे रन हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको चाहो तो आप आई बटन में जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने क्लियर समझाया है कि यह एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी नॉर्मल LED में यहाँ पे यूट्यूब देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon Prime के कंटेंट को देखना चाहते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये
Amazon Fire TV Lite आपके लिए सही रहेगा। ये आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा और अभी तो यार Amazon की सेल भी आने वाली है तो उसके अंदर आपको शायद ये 2000 से भी कम में मिल जाएगा। तो वो जो सेल आएगी उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें थोड़ी सी एक कमी है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बिना इंटरनेट के आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे यार। अपना जो क्रोमकास्ट था ना उसको अपन बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को इंटरनेट की जरूरत होगी, बिना इंटरनेट के तो इसका होम पेज तक यहाँ पे लौटने होगा। उसके अलावा भाई ये जो फायर टीवी लाइट है ना इसके अंदर अपने को बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे पेन ड्राइव के थ्रू कोई भी मूवी शो या फिर फोटो से देखना चाहते हो ना तो वो भी इसके अंदर देख पाओगे, बस आपको एक OTG केबल खरीदने की जरूरत है जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी LED को सिर्फ स्मार्ट बनाना है ना, एंड्रॉइड नहीं स्मार्ट, तो ये फायर टीवी स्टिक आप खरीद सकते हो यार। इसकी प्राइस 2000 रुपये से भी आपको कम में मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अब दोस्तों अपना जो यहाँ पे तीसरा तरीका है ना उसकी मदद से आप अपनी LED को पूरी तरीके से यहाँ पे एंड्रॉइड में बदल सकते हैं, वो भी काफ़ी सस्ते में। मैं आपको यहाँ पे और समझाता हूँ। देखो मार्केट में जितनी भी यहाँ पे एंड्रॉइड LED है ना, जैसे कि Realme, TCL, OnePlus, Redmi, MI, Xiaomi, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड है, उन सभी LED के अंदर जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो फीचर मिलते हैं ना, वो सारे फीचर और बेनिफिट आपको इन सभी एंड्रॉइड बॉक्स में मिल जाएंगे और वो भी सिर्फ 1800 रुपये में। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब देखो इससे पहले अपन ने जो दो तरीके समझे है ना उनकी मदद से आप अपन अपनी LED को सिर्फ स्मार्ट बना सकते थे, एंड्रॉइड नहीं। लेकिन अगर आप अपनी LED को पूरी तरीके से एंड्रॉइड बनाना चाहते हैं, जो भी एक लेटेस्ट LED में अपने को फीचर मिलते हैं अगर आप वो चाहते हो ना, तो ये एंड्रॉइड बॉक्स आपके लिए यहाँ पे सही रहेंगे। इन एंड्रॉइड बॉक्स में आप सारे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाले वर्क करने हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑफिस वर्क करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन वर्ल्ड, पावर पॉइंट, वो सब आप यूज कर पाओगे इन एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर। साथ में आप लाइव कॉल करते हो या फिर आप क्लास लेते हो ऑनलाइन, तो वेबकैम को भी इन एंड्रॉइड बॉक्स में आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे गेमिंग करना चाहते हो ना LED टीवी के अंदर, तो आप इस एंड्रॉइड बॉक्स की मदद से गेमिंग भी कर पाओगे, वो भी हाई लेवल की। इसके अलावा इन एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर अपने को प्ले स्टोर भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो इनके अंदर और यूज भी कर सकते हो। इसके अलावा इन एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर आप पेन ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे के अंदर, हार्ड डिस्क भी इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको थोड़ी ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए अपने LED टीवी के अंदर या फिर थोड़ी हैवी परफॉर्मेंस चाहिए ना LED टीवी से, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको एक एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाहिए अपनी नॉर्मल LED को एंड्रॉइड बनाने के लिए। अब ये जो GT88 4K है ना, जिसके अंदर आप 4K मूवी को देख सकते हो और सारे काम ये आपके कर देगा, इसके अंदर आपको 1GB की रैम, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी और इसकी प्राइस सिर्फ 1800 रुपये है। इसकी वीडियो चैनल पे बहुत जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये जो T95 का एंड्रॉइड बॉक्स है ना भाई, इसके अंदर अपने को 4GB की रैम, 32GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, प्रोसेसर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी प्राइस सिर्फ 3000 रुपये है। तो ये वाला एंड्रॉइड बॉक्स भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अपनी LED टीवी से। उसके अलावा ये जो MI का बॉक्स है ना, इसकी मदद से आप अपनी LED को पूरी तरीके से बदल सकते हो MI की LED जैसे। जो भी अभी बाजार में MI की LED आ रही है उसके अंदर जो भी आपको फीचर मिल रहे हैं ना, वो सेम फीचर आपको इसको बाय करने के बाद मिल जाएंगे। इसके अंदर आप सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सोनी लिव, स्पॉटिफाई, वोट सेलेक्ट, डिस्कवरी प्लस, G5 जैसी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और इन सभी के अंदर आप मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट भी कर सकते हो। तो ये वाला एंड्रॉइड बॉक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको अपनी LED को पूरी तरीके से MI जैसी बनानी है। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये जो MI बॉक्स 4K है ना, ये आपको 4000 रुपये में मिलेगा। तो अगर आपका इतना बजट है तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। इन सभी की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आप बड़े से बड़े काम कर पाओ, हेवी से हेवी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओ, साथ में 4K की मूवी को इंजॉय कर सको, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला एंड्रॉइड बॉक्स बाय करना चाहिए। इसका नाम है A95X। ये वाला एंड्रॉइड बॉक्स ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये दो लोगों के लिए बना है, पहले तो वो लोग जिनको अपनी LED को स्मार्ट बनाना है और दूसरे वो लोग जिनके पास ऑलरेडी एक LED है लेकिन वो LED इतनी अच्छी काम नहीं करती है, स्लो चलती है या फिर लेग होती है। तो अगर आपको अपनी LED की स्पीड बढ़ानी है या फिर LED को पूरी तरीके से एंड्रॉइड में बदलना है, तो दोनों कंडीशन में ये एंड्रॉइड बॉक्स आपके लिए सही रहेगा। लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। ये एंड्रॉइड बॉक्स आपको 5400 रुपये में मिलेगा। तो अगर आपका इतना बजट है ना, तो ये एंड्रॉइड बॉक्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इन सभी एंड्रॉइड बॉक्स के कंपेयर में। ऑलराइट दोस्तों, जितने भी बॉक्स मैंने अभी तक आपको बताया ना, सब मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या खरीदना चाहिए। क्या आपको 650 रुपये का क्रोमकास्ट खरीदने की ज़रूरत है या फिर 5500 रुपये का एंड्रॉइड बॉक्स। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर समझाऊंगा, तो इस वाला
पार्ट को स्किप मत करना। देखो अगर आपकी जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हमको तो हमारी मोबाइल के स्क्रीन को एलईडी टीवी के अंदर देखना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ये ओयूडी का क्रोमकास्ट बाय कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप ओटीटी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अंदर अपने को सिर्फ एक फीचर मिलता है, वो है अपने मोबाइल की स्क्रीन को एलईडी के अंदर देखना। तो अगर आप केजुअल यूज़र हो या फिर कभी कभार एलईडी को यूज़ करते हो आप, तो इसको आप बाय कर सकते हो 650 रुपये के हिसाब से, ये वैल्यू फॉर मनी है। अब देखो यार, अगर तुम्हें अपनी एलईडी को स्मार्ट बनाना है और तुम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो सैमसंग की एलईडी खरीदने की या फिर एलजी ब्रांड की एलईडी खरीदने की, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उन एलईडी को अवॉइड करके ये फायर टीवी लाइट खरीद लो भाई, उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपको अपनी एलईडी में सिर्फ स्ट्रीमिंग करनी है, ओटीटी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आप फायर टीवी लाइट को बाय कर सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी है 2000 के अंदर। इसके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन यार एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप सेल के अंदर खरीदना, अभी मत खरीदना, सेल के अंदर आपको इसकी बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। ओके, अब बच्चा अपने एंड्रॉइड बॉक्स, और ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि एंड्रॉइड बॉक्स का काम क्या है। सिंपल सी बात है, आपको अपनी एलईडी में अगर प्रोडक्टिविटी वाले वर्क करने हैवी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, गेमिंग करनी है, ओटीटी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, 4K मूवी देखनी है, पेन ड्राइव के बीच में कॉपी पेस्ट करना है, तो सारे काम आप कर पाओगे एंड्रॉइड बॉक्स से। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपका बजट 2000 रुपये से कम है ना, तो ये एंड्रॉइड बॉक्स आप बाय कर सकते हो, ये आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। इसकी वीडियो चैनल पर जल्दी आ जाएगी। और अगर आपका बजट अच्छा है तो ये वाला एंड्रॉइड बॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी तो सारे एंड्रॉइड बॉक्स अच्छे हैं इसको छोड़ के। ये आपको इंडिया में मिलेगा नहीं, ये चाइना से इंपोर्ट हुआ था, तो इसको छोड़ के ये जितने भी एंड्रॉइड बॉक्स हैं ना भाई, इनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी सवाल हो क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है यार, कमेंट करके मुझे बताना ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाऊँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।